मन, बुद्धि, संस्कार, ये तीनों चीजें प्रूव नहीं की जा सकती, लेकिन ये तीनों चीजें हम में हैं, ये तीन चीजें ही आत्मा है। अब उसको वर्ड कोई भी यूज करो, इट्स दैट एनर्जी विच कैन नॉट बी शोन साइंटिफिकली फिजिकली, बट वी आर ऑल एक्सपीरियंसिंग इट एवरी मोमेंट। इट इज दैट एनर्जी। हम कहते हैं ये मेरा शरीर है, हम कहते हैं ये मेरी पोजीशन है, लेकिन सारा दिन कहने वाला कि ये मेरा शरीर है, ये मेरी पोजीशन है, ये मेरी फैमिली है, ये मेरा हॉस्पिटल है, ये सबको मेरा मेरा कहने वाला मैं कौन, मैं कौन? सब कुछ तो मेरा कह दिया, तो मैं कौन? कौन कह रहा है ये मेरा है? कौन कह रहा है ये मेरा है? वो आए, वो आए, वो एनर्जी कहती है दिस इज माय बॉडी। ऑपरेशन थिएटर में अगर कोई ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता है, आप कहते हैं टेक द बॉडी आउट, आप नहीं कहते हैं टेक द सो एंड सो आउट। वो चला गया है सो एंड सो, तो आप कहते हैं टेक द बॉडी आउट। अंदर लेके जाने के टाइम आप नहीं कहते टेक द बॉडी इन, अंदर लेके जाने के टाइम नहीं कहते टेक द बॉडी इन, अंदर लेके जाने के टाइम कहते इनको, जो उनका नाम है इनको लेकर जाओ। अगर वो जिनका नाम था वो चले गए, फिर हम कहते टेक द बॉडी आउट। लेकिन पूरे जीवन काल में वो जो कह रहा है ये मेरी बॉडी है, रिश्ते है, पोजीशन है, वो जो सब कुछ कर रहा है, उसी पर अगर ध्यान नहीं दिया, अवेयरनेस नहीं रही, याद ही नहीं रहा कि ये मैं हूं, तो हमने छोटी सी गलती क्या की, सब कुछ जो मेरा है उसको मैं कहना शुरू कर दिया। आई एम अ डॉक्टर एक्चुअली इज नॉट अ राइट लाइन। आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम अ सोल, माई प्रोफेशन इज दिस। तो डेजिग्नेशन जो इतने सारे हैं, जिनके साथ इतनी अटैचमेंट है, जो भाई साहब ने अभी कहा पूरी जीवन किस में चल रही है, ये मेरी पोजीशन, ये इसके, ये उसके, इस सब को करते करते जो मैं था वो अंदर क्या होता गया। अब यहां से वापस जब जाएंगे परसों, तो सिर्फ एक ही चीज करनी है, वो ही नर्स होगी, वो ही स्टाफ होगा, उनको देखने का नजरिया बदले, वही लोग होंगे परिवार में, वही रिश्ते होंगे, उनको देखने का नजरिया बदलें कि ये कौन है, ये सोल है ऑन अ वेरी लॉन्ग जर्नी। जब शक्ति निकल जाती है एक शरीर से, मैं आत्मा, वो शक्ति जब एक शरीर से निकल जाती है, उसी क्षण वो आत्मा किसी मदर के वोम्ब में एंटर हो जाती है। आप में से किसके दो बच्चे हैं? किसी के पास दो बच्चे हैं जो आइडेंटिकल हैं एक दूसरे के साथ, आइडेंटिकल हैं? किसके पास दो बच्चे हैं जो बहुत अलग अलग हैं एकदम नेचर वाइज? कभी क्वेश्चन नहीं उठता ये मेरे दो बच्चे इतने अलग क्यों हैं? सेम घर में पैदा हुए, सेम पेरेंट्स मिले, सेम परिवार मिला, सेम वातावरण मिला, सेम स्कूल में भेजा, दोनों पे सेम खर्चा किया, सेम आदतें संस्कार देने की कोशिश की, फिर भी दोनों इतने अलग क्यों हैं? सब कुछ सेम था, वो इसलिए दोनों अलग हैं क्योंकि वो सोल ऑन अ जर्नी है। उसका प्रेजेंट में सारे फैक्टर सेम थे, लेकिन पास्ट दोनों का अलग अलग है। रीबर्थ का प्रूफ नहीं चाहिए होता, रीबर्थ का प्रूफ तो सारा दिन प्रैक्टिकल में दिखता है। अगर सोल क्लीन, फ्रेश, परफेक्ट एंटर कर रही होती वोम्ब में, तो हर बच्चा पैदा होते ही पहले आइडेंटिकल होता, फिर वो अपने प्रेजेंट वातावरण के अनुसार धीरे धीरे संस्कार चेंज करता, लेकिन पैदा होते हर बच्चा फिर आइडेंटिकल होना चाहिए था। और अगर सोल दो आइडेंटिकल होगी ना, फिर उसकी बॉडी भी आइडेंटिकल क्रिएट होगी, क्योंकि यहां से बॉडी क्रिएट होती है। आत्मा पैदा होते ही अलग अलग संस्कार, कोई ज्यादा रोता है, कोई बहुत शांत है, कोई हंसता रहता है, कोई चिढ़ता रहता है, अलग अलग संस्कार तो बच्चे के अंदर पैदा होते ही दिखाई देते हैं।
अलग अलग भाग्य भी बच्चा लेकर आया है, इसीलिए आपको हर रोज हॉस्पिटल में अलग अलग डेस्टिनीज दिखाई दे रही हैं बच्चों की। दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है, अलग अलग हेल्थ लेकर पैदा हो रहा है बच्चा। किसी की बॉडी परफेक्ट है, किसी की बॉडी में पैदा होते ही इश्यूज हैं। किसने डिसाइड किया ये? क्यों इशू है उस आत्मा के, जो बॉडी उसने बनाई उसमें इशू क्यों आया? हम उसको बाहर आंसर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। इशू इसलिए आया कि वो आत्मा के ऊपर कोई संस्कार थे जिसका वाइब्रेशन उसने वो 9 महीने में अपने शरीर को दिया। जब आज हम अपने थॉट पावर से बीमारी क्रिएट कर सकते हैं, तो उस 9 महीने में भी हम थॉट पावर से बीमारी क्रिएट करते हैं। तो अब सिर्फ एक चीज बदलनी है कि अब ये ध्यान रखना है कि मुझ आत्मा के कैसे संस्कार हैं, क्योंकि वो संस्कार सिर्फ इस लाइफ टाइम में नहीं काम आने वाले। मैं आत्मा जब शरीर छोड़ूंगी तो भी मेरे साथ क्या जाएगा, क्या जाएगा? जब हम फ्यूनरल पे जाते हैं, लोग कहते हैं क्या लेकर गए, सब कुछ तो पीछे छोड़ गए। जिन चीजों के लिए हम लड़ रहे होते हैं वो सब पीछे छूट जाती हैं, लेकिन जो हम लड़ रहे थे वो लड़ने का संस्कार साथ में चला जाता है। जिस चीज के लिए लड़ते हैं वो पीछे रह जाती है, लेकिन लड़ रहे थे मतलब गुस्सा कर रहे थे, हर्ट हो रहे थे, मैनिपुलेट कर रहे थे, डोमिनेट कर रहे थे, एक्सप्लॉइट कर रहे थे, ये सब साथ में चला जाएगा। और फिर वो बच्चा अलग अलग संस्कार लेकर पैदा होगा। लॉन्ग टर्म जर्नी पर दो ही चीजें साथ में जाएंगी, संस्कार, संस्कार और कर्म। शॉर्ट टर्म जर्नी में क्या दिख रहा है, जो अभी भाई साहब ने कहा, बंगले का साइज, गाड़ी का साइज, पोजीशन का साइज, शॉर्ट टर्म है, इंपॉर्टेंट है, मेहनत करें उसको अक्वायर करें, लेकिन ये छोटी सी गलती ना कर दें कि उसको अक्वायर करने के टाइम लॉन्ग टर्म बिजनेस में नुकसान कर दें। एक क्षण में आत्मा शरीर छोड़ेगी। एवरी मोमेंट वी हैव टू बी रेडी टू लीव। जो हर क्षण रेडी होगा टू लीव, वो ही जीवन को बहुत सुंदर तरीके से जी सकता है। जैसे जो लोग ज्यादा ट्रैवल करते हैं उनका एक छोटा सूटकेस हमेशा रेडी होता है, रेडी होता है ना, फोन आया चलो, ये टाइम नहीं है कि अभी मैं पैकिंग करूं। ऐसे ही एक क्षण आएगा, वो यमराज को हम थोड़ी स्लीपिंग पिल खिला पाएंगे। एक क्षण में आत्मा शरीर छोड़ती है, उस क्षण में मेरे कौन से संस्कार थे, मेरे लोगों के साथ क्या कर्मों के हिसाब किताब थे, एक क्षण में आई विल लीव, आई विल कैरी एवरीथिंग विद मी। टाइम नहीं मिलेगा, टाइम नहीं मिलेगा ठीक करने के लिए।